डिपार्टमेंट में 25 पोस्टें जो है एक्साइज एंड टैक्सेशन इंस्पेक्टर की जो है वो कैबिनेट ने स्वीकृत की है। और क्योंकि आईपीएच डिपार्टमेंट में इसमें एक्साइज एंड टैक्सेशन में 75 पोस्टें वेकेंट थी, मगर प्रपोजल जो है वो डिपार्टमेंट ने 50 पोस्टों का मांगा था, मगर कैबिनेट ने 25 पोस्टें एक्साइज एंड टैक्सेशन इंस्पेक्टर की स्वीकृत की गई है। 10 पोस्टें जो है वो हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट में हॉर्टिकल्चर एक्सटेंशन ऑफ हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट ऑफिसर की 10 पोस्टें जो है वो स्वीकृत की गई है। इसके अलावा जो है एक और फैसला लिया गया है जिसमें जो राहत शिविर में, जैसे कि जो हिमाचल प्रदेश में बड़ी आपदा आई है और बहुत सारे लोग जो बेघर हुए हैं और किराए के मकानों में रह रहे थे, तो आज कैबिनेट ने जो है वो उनको जो राहत है ग्रामीण क्षेत्र में 10,000 रुपए का किराया और ग्रामीण क्षेत्रों में 5,000 किराया और शहरी क्षेत्रों में 10,000 का किराया जो है वो 31 मार्च 2024 तक ऐसे लोगों को जो मिल दिया जाएगा। और उसके लिए जो बजट का प्रावधान 75 लाख रुपए किया गया है, जिसमें से डिप्टी कमिश्नर्स को आदेश दिए गए हैं कि वो तुरंत जो है वो जहां जहां ये जो लोग किराए पे रह रहे हैं उनको किराया दिया जाए, जिसमें से कि 17,50,000 रुपया जो है वो खर्च भी जो है वो कर दिया गया है। इसके अलावा जो है ये ट्रिब्यूनल, हमारा जो एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल है, आज कैबिनेट ने एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल को भी जो है पोस्टें जो है स्वीकृत की है, क्योंकि हमारे चुनावी घोषणा पत्र में हमने ये वायदा किया था कि हम जो है एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल को बहाल करेंगे, क्योंकि पूर्व में कांग्रेस सरकार के समय में एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल काम करता था, मगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद इन्होंने जो है एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल को भंग कर दिया था और वहां के एम्प्लॉयज को हाई कोर्ट में ट्रांसफर कर दिया था और बहुत सारे केसेस जो है वो एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल में थे उसको ट्रांसफर करके हाई कोर्ट किया गया है। आज कैबिनेट ने जो है स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल को बहाल करने का फैसला किया है और 5 पोस्टें जो है वो सैंक्शन की है, जिसमें से कि एक पोस्ट चेयरमैन की है, एक पोस्ट जो है मेंबर जुडिशियल की है और 2 पोस्टें जो है मेंबर एडमिनिस्ट्रेटिव की है और एक पोस्ट जो है वो रजिस्ट्रार की जो है स्वीकृत की है। तो जो एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल है ये अमला डेवलपमेंट प्लान को भी जो है स्वीकृति प्रदान गई है और इसमें जैसे हमारे ग्रीन बेल्ट्स हैं वो 17 ग्रीन बेल्ट्स थी, शिमला का जो वातावरण है, यहाँ की जो हवा है और यहाँ का पर्यावरण शुद्ध रहे, इसको देखते हुए आज कैबिनेट ने जो है इसमें 8 ग्रीन जो है बेल्ट्स, ग्रीन बेल्ट्स, 8 नई ग्रीन बेल्ट्स को भी ऐड किया है, जहां पे कंस्ट्रक्शन जो है वो पूरी तरह से जो है बंद कर दी जाएगी। और इसके अलावा कुल्लू के लिए भी जो है डेवलपमेंट प्लान जो है वो कुल्लू के लिए भी आज स्वीकृति प्रदान की गई है। इसी तरह से चौपाल के लिए भी जो है डेवलपमेंट प्लान जो है प्लानिंग एरिया डेवलपमेंट चौपाल के लिए भी इसकी भी स्वीकृति प्रदान की गई है। और हमारे जो ये हमारे जो है स्कूल्स में जो बच्चों की जो है रोड मैप फॉर अडॉप्टिंग 6 एज क्राइटेरिया फॉर एडमिशन टू ग्रेड 1 टू क्लास 1 स्कूल, जैसे अब तक बच्चों की एज जो थी वो 5 साल में भी कोई क्लास 1 में एडमिशन कर देता था, मगर नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को देखते हुए जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने नेशनल एजुकेशन पॉलिसी की है, उन्होंने कहा था कि भी हर स्टेट में क्लास 1 के लिए बच्चे जो क्लास 1 में जो बच्चा जाएगा उसकी एज मिनिमम 6 ईयर्स होनी चाहिए। आज सरकार ने भी जो है इसमें इसके बारे में विधिवत फैसला किया है। एक और जो फैसला लिया गया है, क्योंकि ये जो जांगी थोपन पावरी हाइड्रल प्रोजेक्ट था 780 मेगावाट का प्रोजेक्ट था, जिसको कि SJVN को स्वीकृत किया था, MOU साइन था सतलुज जल विद्युत निगम द्वारा, ये MOU जो है 24/11/2018 को MOU साइन हुआ था और मगर इसका जो है प्री इम्प्लीमेंटेशन एग्रीमेंट जो है साइन नहीं हुआ था और इस प्रोजेक्ट को में जो है हिमाचल प्रदेश के हितों को पूर्व की भारतीय जनता पार्टी सरकार ने बेचा था,
इसमें हिमाचल प्रदेश को का जो है इंटरेस्ट है वो नहीं हित में रखा गया था। तो आज कैबिनेट ने जो फैसला लिया गया कि एग्रीमेंट को जो है आज इसको निरस्त करने का फैसला, कैबिनेट ने जो है एमओयू को निरस्त करने का फैसला लिया गया है। इसके अलावा जो ओल्ड व्हीकल्स हैं, क्योंकि अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये फैसला किया है कि जो गाड़ियां हैं वो कमर्शियल व्हीकल्स हैं या सरकारी गाड़ियां हैं जिसकी एज 15 साल से ज़्यादा हो जाएगी उसको कंडम कर दिया जाएगा और उसको स्क्रैप के रूप में उसको नष्ट कर दिया जाएगा। क्योंकि होता यह था कि 15 साल वाली गाड़ियों को फिर वो कबाड़ियों को बेच देते थे, उसको पार्ट्स वूट्स इधर उधर करके फिर दोबारा चला देते थे। अब जो है गवर्नमेंट ने जो है ये स्क्रैप पॉलिसी जो है बनाने का फैसला लिया गया है और इसमें हिमाचल सरकार ने ये फैसला किया है कि 25% कंसेशन जो गाड़ी स्क्रैप करेगा और वो नई गाड़ी जब लेगा तो उसको 25% रजिस्ट्रेशन जो है वो नॉन ट्रांसपोर्ट व्हीकल में मिलेगी, उसको रिबेट उसको एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ द न्यू व्हीकल जो लेगा उसको 25% फॉर नॉन कमर्शियल व्हीकल्स और 50% फॉर जो है ट्रांसपोर्ट व्हीकल जो है उनको इसमें जो है राहत प्रदान की जाएगी। इसी तरह से प्लानिंग डिपार्टमेंट में एक पोस्ट जो है वो क्लर्क की सैंक्शन की गई है और एक पोस्ट जो है असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी की पोस्ट सैंक्शन की गई है। सिविल कोर्ट भोरंज डिस्ट्रिक्ट हमीरपुर के लिए सैंक्शन की गई है और इसमें एडवोकेट जनरल के ऑफिस में जो है डेली वेजेस पे दो पोस्टें जो है क्लास फोर की जो है वो स्वीकृत की गई। इसी तरह से हिमाचल प्रदेश कोऑपरेटिव सोसाइटी रूल्स 1979 में भी जो है दो अमेंडमेंट्स जो है रूल्स में जो है वो दो अमेंडमेंट्स की गई है। तो ये आज कैबिनेट में जो है फैसले लिए गए हैं। इसके सेशन मेरा भी फैसला लिया है कि हमारा क्योंकि विंटर सेशन जो है वो हमारा 19 तारीख से लेकर के और वो 23 तारीख तक जो है विधानसभा का जो विंटर सेशन है वो हमारा धर्मशाला में होगा। 5 दिन का जो है ये हमारा सेशन होगा। और इसके अलावा एक आज बहुत महत्वपूर्ण घटना हिमाचल प्रदेश की शिमला में हुई है जिसमें आपको मालूम है कि बहुत लंबे अरसे से जो हमारा वाइल्ड फ्लावर हॉल है जो हिमाचल टूरिज्म की प्रॉपर्टी हुआ करती थी और वो सिस्सल ओबेरॉय होटल, सिस्सल ग्रुप और ओबेरॉय होटल के साथ एग्रीमेंट हुआ था, पार्टनरशिप में हुआ था, मगर पिछले 25-30 सालों में उन्होंने हिमाचल सरकार को इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू, इन टर्म्स ऑफ इक्विटी कुछ भी नहीं दिया था और बहुत लंबे अरसे से ये केस जो है कोर्ट में लटका हुआ था। कुछ समय पहले हिमाचल सरकार ने जो है उस केस को जीता और कल जो है वो वाइल्ड फ्लावर हॉल, होटल वाइल्ड फ्लावर हॉल को हाई कोर्ट के आदेश अनुसार टेक ओवर करने की जो है हाई कोर्ट ने अनुमति दी। आज सुबह हिमाचल प्रदेश के जो कर्मचारी हैं उन्होंने वाइल्ड फ्लावर होटल वाइल्ड फ्लावर हॉल में जाकर के उसको होटल को अपने कब्जे में लिया है और जो अकाउंट्स का काम है, मैनेजमेंट का काम है वो हमारे हिमाचल प्रदेश के कर्मचारियों ने उसको लिया है। होटल नॉर्मल रूटीन में वो चलता रहेगा, जो भी बुकिंग्स है और जो टूरिस्ट हैं वो ठहरे हुए हैं या आना जाना या जो फर्दर बुकिंग्स है वो नॉर्मल रूप में जो है वो कंटिन्यू करती रहेगी। ये हमारे मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी के पर्सनल एफर्ट से, उनकी हिम्मत से हिमाचल प्रदेश के हितों की जो है रक्षा की गई है। जबकि वाइल्ड फ्लावर हॉल में एग्जैक्ट कोई राउंड अबाउट 120 करोड़ जो है वो होटल वाइल्ड फ्लावर हॉल सेसल ग्रुप ने हिमाचल सरकार को देना बनते थे, उनके जो ड्यूज हैं पिछले सालों को देने पड़ रहे थे और वो है 120 करोड़ के आसपास है, मतलब रफली एग्जैक्ट फिगर नहीं मगर राउंड अबाउट इसके आसपास है वो ये प्रॉपर्टी। तो इट इज राउंड अबाउट आई थिंक इट इज मोर देन 500 करोड़। इट इज वन ऑफ द बेस्ट प्रॉपर्टीज इन द वर्ल्ड है, इट इज 7-स्टार होटल, वन ऑफ द बेस्ट प्रॉपर्टीज इन द वर्ल्ड। और जो ये होटल ओबेरॉय ग्रुप्स के लोग थे वो हिमाचल सरकार से निगोशिएशन भी करना चाह रहे थे, वो बातचीत निगोशिएशन भी करना चाह रहे थे मगर मुख्यमंत्री जी ने जो है हिमाचल प्रदेश के हितों की रक्षा
करने का फैसला लिया और उन्होंने कहा कि हमारी जो लड़ाई है हमें पूरे पैसे दो, या फिर कोर्ट ने जो फैसला किया उसके अनुसार जो है आज हिमाचल सरकार ने अपना कदम उठाया है। सर, इसमें इम्प्लॉयज जो एचपीडीसी के ही रहेंगे या जो वहां पर हैं? नहीं देखो, इम्प्लॉयज जो हैं वो होटल नॉर्मल रूटीन में रन करता रहेगा। हमने सिर्फ जो है उसको मैनेजमेंट को लिया है, मैनेजमेंट को लिया जो बुकिंग्स है और है, होटल को जो इम्प्लॉयज पुराने इम्प्लॉयज है वही रन करते रहेंगे। अभी देखो, अभी तो ऐसा है, अभी तो होटल को हमारे कुछ इम्प्लॉयज ने टेक ओवर किया है। आगे कौन इसको रन करेगा, क्या होगा, ये तो मुख्यमंत्री जी और कैबिनेट जो है वो आगे का फैसला लेंगे। इस मामले पर अभी हाईकोर्ट में आज पेशी भी थी और उसमें स्टे कर दिया गया है। अब मेरी जानकारी में, अभी तक तो मेरी जानकारी में नहीं है। मैंने आपको जो ये पेचीदगियां हैं ये कहीं ना कहीं बाधा इसमें हो सकती है कब्जा उसके ऊपर सरकार को करने? नहीं देखो, ये तो कानूनी लड़ाई बहुत लंबे अरसे से चल रही है और हमने हिमाचल सरकार ने जो ये कदम उठाया है वो कोर्ट के आदेश अनुसार उठाया है। हिमाचल सरकार ने अपने आप में ये फैसला नहीं किया है। ये कल जो है हाई कोर्ट ने आदेश दिए थे कि आप, क्योंकि वो जो ड्यूज की पेमेंट है जो हिमाचल सरकार को बनती थी वो उन्होंने अदायगी नहीं की, तो हाई कोर्ट ने ऑर्डर किए कल कि आप जो है होटल का पोजीशन आप ले सकते हो। उस ऑर्डर के आदेश अनुसार आज हिमाचल प्रदेश के जो एम्प्लॉयज हैं वो गए वहां, उन्होंने उसको टेक ओवर किया है, उन्होंने जो इनका जो फाइनेंशियल वो है उसको भी टेक ओवर किया है और आगे जैसा भी फैसला होगा वो उसको अकॉर्डिंग टू द कैबिनेट एंड अकॉर्डिंग टू द डिसीजन ऑफ द चीफ मिनिस्टर जो आगे वो उसको किस तरह से रन किया जाएगा, कैसे होगा वो अब आगे की बात। इनकेस वो ड्यूज अगर दे देते हैं तो क्या गवर्नमेंट द्वारा? नहीं देखो, ऐसा नहीं, ये तो आई एम नो वन टू कमेंट ऑन इट, ये तो चीफ मिनिस्टर और गवर्नमेंट और कैबिनेट ने फैसला करना है। मगर हम भी नहीं चाहते कि भाई ये इसमें झगड़ा हो या ऐसा हो, मगर हिमाचल प्रदेश के हितों की, जो हिमाचल प्रदेश के हितों की रक्षा है उसके साथ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा, ये मुख्यमंत्री जी का साफ रुख है। ठीक है जी, ओके जी, थैंक यू।